आज एनएसवाई ने आईजी को ज्ञापन सौंपते हुए शहर के प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा कोरोना काल में की गई लूट और जामदार अस्पताल की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देते हुए एनएसवाई के जिला अध्यक्ष विजय रजक ने बताया कि संगठन के द्वारा आज पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि शहर के सभी प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा कोरोना महामारी को अवसर मानकर हजारों मरीजों से मनमाने तरीके से बिल वसूला गया है। उन सभी अस्पतालों के पिछले एक साल के बिल बुक की जांच कर सभी मरीजों से सरकार के द्वारा निर्धारित रेट से ज्यादा लिए गए पैसे वापस कराकर दोषी अस्पतालों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही संगठन ने जामदार हॉस्पिटल के द्वारा आयुष्मान कार्डधारी गरीब मरीज से की गई 40,000 रुपए की मांग व सरकारी योजना को रद्दी बता रहे डॉक्टर व अस्पताल प्रबंधक पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। जिस तरीके से कोरोना महामारी में इस आपदा को अवसर बनाते हुए जबलपुर शहर के सभी प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज के नाम पर मरीजों को लूटने का जो कार्य किया है, उसको लेकर निरंतर एनएसयूआई के द्वारा विगत 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो चुका, हम लोग इसमें मुहिम चला रहे हैं कि इन अस्पतालों पर कार्रवाई की जाए। इससे पहले हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, जिला चिकित्सा अधिकारी को दे चुके हैं, यहाँ तक कि एक प्राइवेट अस्पताल जामदार अस्पताल के द्वारा एक मरीज़ से इलाज के नाम पे जब उस आयुष्मान योजना के तहत एक गरीब मरीज जब इलाज कराने पहुंचता है तो उससे जो 40,000 रुपए की अवैध वसूली की जाती है और सरकारी योजना को फर्जी बताया जाता है, उसका वीडियो बनाकर संगठन ने वायरल किया और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक जामदार अस्पताल के किसी भी डॉक्टर या कर्मचारी से प्रशासनिक या पुलिस के अधिकारियों ने कोई भी पूछताछ नहीं की है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये शंका है कि मिस्टर जामदार जी, जो कि जितेंद्र जामदार जी आरएसएस के पूर्व संघ संचालक हैं जबलपुर महाकौशल संभाग के, वर्तमान में सीएम साहब के खास हैं और अभी कोरोना संक्रमण की जो कमेटी बनी है राज्य स्तरीय उसके सदस्य हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के आगामी महापौर प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन को इसका भय है कि अगर उनके खिलाफ़ जाँच की जाएगी या उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी तो प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने आईजी महोदय को ज्ञापन दिया है कि जबलपुर शहर के सभी प्राइवेट अस्पतालों में जितने भी इलाज हुए हों उनकी जांच की जाए। एनएसयूआई की जिला इकाई जबलपुर के द्वारा आज ये जबलपुर के प्राइवेट अस्पतालों द्वारा उपचार के लिए निर्धारित फीस के अतिरिक्त जो पैसा वसूल किया गया है और इन्होंने लगभग करीब सभी अस्पतालों का आरोप लगाया है कि आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज प्रॉपर नहीं किया जा रहा है और उनसे भी अतिरिक्त पैसा वसूला जा रहा है। इस संबंध में एक ज्ञापन और शिकायत दिया है, इसकी सारे जो बिंदु हैं उसकी विधिवत समझाम कराएंगे।